डॉन 3 की अटकलें तेज क्यों हो गई हैं? डॉन 3 में शाहरुख खान के साथ किन किन स्टार को कास्ट किया जा रहा है? इस बार इस फिल्म का बजट कितने करोड़ रखा जाएगा? हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान की डॉन फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को लेकर विचार किया जा रहा है। ऐसे में 2011 में आई फिल्म डॉन 2 में काम करने वाले एक्टर कुणाल कपूर ने कहा कि उन्हें डॉन 3 को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसके दूसरे हिस्से बनने के वक्त को याद करते हुए कहते हैं, अविश्वसनीय था। कुणाल ने हाल ही में इस फिल्म पर बातचीत करते हुए कहा, किसी ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बन रही है या नहीं, लेकिन डॉन में होना अविश्वसनीय था। फिल्म के निर्माण के समय हमने काफी अच्छा काम किया था और यदि एक बार फिर इसका हिस्सा बनने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको बता दें कि फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित डॉन 2 में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे। अब काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही डॉन 3 का ऐलान होगा। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस बार डॉन 3 का बजट करीब 280 करोड़ रुपए रखा जा रहा है और इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया जा सकता है और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार इस फिल्म में किसी हॉलीवुड एक्टर को भी कास्ट किया जाएगा। अगर ये सब ठीक रहा तो ये कहा जा सकता है कि डॉन 3 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि ये फिल्म अगर बनती है तो इसकी रिलीज डेट 2022 के आसपास रखी जाएगी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में लिखा, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया जो ये पढ़ रहे हैं। हर साल मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जन्मदिन सबसे खास था और हर साल आप लोगों का प्यार इसे और भी बढ़ा देता है। मैं इस दुनिया में जरूर इकलौता ऐसा इंसान होऊंगा जो बूढ़ा होने पर भी बहुत खुश है। आप सबको ढेर सारा प्यार। बता दें कि शाहरुख खान को उनके जन्मदिन पर खूब बधाइयां मिली थी, यहाँ तक कि किंग खान के बर्थडे पर उनसे मिलने के लिए फैंस ने मन्नत के बाहर भीड़ लगा दी थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शाहरुख खान को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां दी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान की डॉन 3 कितनी जल्दी सिनेमा घरों में रिलीज होती है। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि शाहरुख खान के अपोजिट किस हीरोइन को कास्ट किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।